बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र में कक्षा 11वीं के अंतर्गत जो है कला वाणिज्य जो है अध्याय 7 सह संबंध के बारे में पढ़ेंगे। सह संबंध क्या है? सह संबंध वह है जो हम एक आंकड़े दूसरे आंकड़े से हम उसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं, या उससे एक दूसरे की तुलना करके हम उसको पता करते हैं कि ये चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, उसके कारण ये हुआ। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में सीखा कि आंकड़ों के समूह को सर्वसम चरों के परिवर्तन संक्षिप्त माप कैसे किया जाता है, अब हम ये देखेंगे कि जैसे कि हम यानी सह संबंध कैसे वो करेंगे। जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ता है तो सैलानी क्या करते हैं, पहाड़ पर्वतीय स्थलों की ओर जाने लगते हैं, और गर्मी जब होती है तो आइसक्रीम की बिक्री तेज हो जाती है। इस प्रकार से हम इनका संबंध जो है सैलानियों की संख्या और आइसक्रीम की बिक्री से हो सकता है, क्योंकि मौसम जो है चेंज हुआ, गर्म हुआ तो लोग कहाँ चले गए, पर्वतीय क्षेत्र में भी जाने लगे, और लोग जो है ठंडी चीज़ की डिमांड अधिक करने लगे। उसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया हुआ है टमाटर। टमाटर की पूर्ति यदि मंडी में टमाटर की पूर्ति बढ़ जाती है तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो है स्थानीय फसल जो है वह बाजार में आने लगता है, इससे भी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम होने लगती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ जो हैं एक दूसरे के आधार पर ही परिवर्तित होता रहता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि बारिश की कमी का संबंध कृषि की कम उत्पादकता से रहता है। संबंधों के इस प्रकार के उदाहरण कारण भी परिणाम स्वरूप यह समझा जा सकता है कि अन्य उदाहरण संयोग मात्र हो सकते हैं, जैसे पक्षी विहार से प्रवासी पक्षियों के आने के साथ साथ जन दरों के संबंध के कारण परिणाम संबंध नाम नहीं दिया जा सकता, यह सिर्फ क्या हो जाएगा, एक संयोग मात्र ही होता है। जैसे आप लोग चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर यदि बराबर बैठे हुए हैं, बीच में एक है, तो दो चरों का आपस में कोई संबंध नहीं है। यदि एक चर का मान बदलता है तो दूसरे चर का मान भी बदल जाता है, जैसे कि मांग और पूर्ति में होता है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाता है, यदि कीमत कम होती है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी प्रकार से आपके जूते की माप, आपकी जेब के पैसों के संबंध का भी एक संयोग ही एक उदाहरण है, क्योंकि इसके बीच भी संबंध हो भी सकता है और कठिन निकालना भी, संबंध निकालना भी कठिन हो जाता है। फिर एक अन्य उदाहरण हम देखेंगे, यहाँ दो चरों और तीसरे चरण के प्रभाव से दोनों चरों के बीच का संबंध जो प्रभावित हो जाता है, जैसे आइसक्रीम की बिक्री में और तेजी से डूबकर मरने वालों की संख्या से जोड़ी जा सकती है। यद्यपि मरने वाले आइसक्रीम खाकर नहीं डूबे थे, तापमान बढ़ने के कारण आइसक्रीम की बिक्री में तेजी आती है, जबकि गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अधिक संख्या में तरण तालों में जाने लगते हैं, जिससे डूबकर मरने वाले की संख्या भी इसी कारण क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आइसक्रीम की बढ़ती हुई बिक्री और डूबने के मरने वालों की संख्या के बीच भी उच्च सहसंबंध का कारण क्या है, तापमान है, क्योंकि दोनों चीज़ें जब मांग बढ़ रही है, लोग वहाँ जा रहे हैं, वहीं क्यों जा रहे हैं, तापमान के कारण, तो यह क्या कहलाएगा, उच्च सहसंबंध कहलाएगा। फिर हम देखेंगे सहसंबंध किसका मापन करता है। अब सहसंबंध चरों के बीच संबंधों की गहनता एवं दिशा का अध्ययन एवं मापन करता है। क्या करता है, बीच के संबंधों की गहनता और दिशा का अध्ययन एवं मापन करता है। तो सहसंबंध जो प्रसरण का माप करता है, साथ ही साथ कार्यकारण का संबंध भी करता है। फिर सहसंबंध को कार्यकारण के संबंध के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दो चर हैं, एक्स और वाई के बीच के सहसंबंध की उपस्थिति का अर्थ है कि जब एक चर का मान किसी दिशा में बदलता है तो दूसरे चर का मान या तो उसी दिशा में बदलता है या फिर उसके विपरीत दिशा में बदलता है। यदि उसी दिशा में बदलता है तो धनात्मक हो जाएगा, यदि विपरीत जाता है तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब ऋणात्मक कौन सा होगा, जैसे मांग और पूर्ति का है। अब धनात्मक क्या होगा, जैसे कई चीज़ें ऐसी होती है मूल्य बढ़ रहा है लेकिन मांग भी उसके साथ बढ़ रहा है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इससे आसानी से समझने के लिए हम मान लें कि सहसंबंध यदि तो रेखीय है, अर्थात दो चरों के सापेक्ष गति को ग्राफ में एक सीधी रेखा के रूप में भी दिखाया जा सकता है। फिर सहसंबंध के प्रकार, आमतौर पर सहसंबंध जो धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध के रूप में ही वर्गीकृत किया जाता है। इससे जो सहसंबंध को हम एक ही दिशा में एक साथ होती है, जैसे एक साथ बढ़ती है तो उसको हम धनात्मक कहते हैं, जिसमें कि आय बढ़ती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि जब हमारी आय बढ़ती है तो हम अधिक चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन आय में यदि कमी होती है तो हम उपभोग भी हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हम अपने खर्चे में क्या करने लगते हैं, कटौती करते लगते हैं। इसी तरह से आइसक्रीम की बिक्री तथा तापमान दोनों ही एक ही दिशा में गतिमान है, जबकि चर विपरीत दिशा में गतिमान हो सकता है, तो इस तरह से क्या कहलाएगा, ये सहसंबंध ऋणात्मक कहलाएगा।
यदि सेवों की कीमत में गिरावट आती है, मांग बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ती है, मांग कम हो जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा सहसंबंध में हम किस चीज़ को कैसे चेक पता करते हैं और धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होता है। फिर सहसंबंध मापने की प्रविधियाँ, सहसंबंध को मापने के लिए हम प्रकीर्ण आरेख द्वारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक तथा स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध, इनके माध्यम से हम सहसंबंध को माप सकते हैं। तो सबसे पहले प्रणीक आरेख सहचर्य के रूप में कोई भी विशिष्ट संख्यात्मक मान दिए गए हैं जिसको कि दृश्य रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, और जबकि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक जो है दो चरों के बीच की रेखीय संबंधों को संख्यात्मक मापन करता है। ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक जो है दो चरों के बीच रेखीय संबंधों को संख्यात्मक मापन करता है। तो इस संबंध को जो है तब हम रेखीय कहा जाता है, इससे एक सीधी रेखा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और स्पीयरमैन का जो सहसंबंध गुणांक है, स्पीयरमैन का जो सहसंबंध गुणांक है एक अन्य मापन प्रविधि है जिससे कि व्यष्टि मदों के बीच उनके गुणों के आधार पर निर्धारित कोटियों द्वारा रेखीय सहसंबंध को मापा जाता है। इस तरह से गुण वे चर हैं जिनका संख्यात्मक मापन संभव नहीं, जैसे कि लोगों की बौद्धिक स्तर, शारीरिक स्तर, रूप रंग आदि, ईमानदारी आदि, ये जो हैं इसको हम नहीं वो कर सकते क्योंकि इसे संभव नहीं है। इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो है, अब नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रकीर्ण आरेख। प्रकीर्ण आरेख में किसी संख्यात्मक मान के बिना संबंधों के स्वरूप को जांच दृश्य के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, उपयोगी प्रविधि है। इस प्रविधि ने दो चरों के मान को ग्राफ पेपर पर बिंदुओं के रूप में, आप लोग अपने बुक में देखेंगे कि इनको जो दिया हुआ है, तीन चार चित्र दिए हुए हैं, तो उसमें ये बिंदुओं के आरेख के रूप में आलेखित किया गया है। इसको हम गुच्छ को प्रकीर्ण आरेख कहा जाता है, और प्रकीर्ण आरेख का संबंधों का स्वरूप जो होता है काफ़ी सही रूप में माना जा सकता है। इसी तरह से आरेख में प्रकीर्ण बिंदुओं के जो समीप की कोटि, उनकी व्यापक दिशा के आधार पर ही आपसी संबंधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि बिंदुओं एक ही रेखा पर होते हैं तो सहसंबंध परिपूर्ण होता है एवं एक के बराबर होता है। यदि प्रकीर्ण बिंदु सरल रेखा के चारों तरफ फैले होते हैं तो यह सहसंबंध जो है निम्न माना जाता है। इस तरह से इस सहसंबंध को हम क्या कह सकते हैं, रेखीय सहसंबंध भी कह सकते हैं, और यह जो है एक रेखा पर ही वे निकट होते हैं। हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो हम आपको गणित के द्वारा समझा देंगे संख्यात्मक रूप से हम सहसंबंध को किस तरह से हम उसको करेंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध या स्पीयरमैन के सहसंबंध सूत्र को हम यूज़ करते हुए उस गणित को हम सॉल्व करेंगे।